तो मैं आप लोगों को मेरी रियल बुआ से मिलवाता हूँ, ठीक है? ये मेरी रियल बुआ है। तो हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे, है ना? और तबीयत वबीयत खराब हो तो अस्पताल चला जाइएगा, दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? और गाइस अभी सुबह के मतलब मैं 4 बजे उठ चुका था, नहा धो के कंप्लीट फ्रेश फ्रेश होकर, और अभी जा रहा हूँ मैं भुआ के वहाँ, मतलब वो गामगेर माता पूजाती है, तो वो सिगड़ी रखते हैं, तो वहाँ पे भाई को मतलब भाई उतारता है सिगड़ी, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो पापा कहीं गए हुए हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जल्दी से। कल भी मैं महेश्वर के लिए सुबह 4:30 बजे उठ गया था, और आज भी इतनी सुबह सुबह उठ चुका हूँ, तो जल्दी जाता हूँ यार अभी बाइक से। और 5 बज चुके, 5 बजे मुझे पहुँचना था, 5:30 बजने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, वहीं मिलता हूँ। ओके पापा है। तो गाइस भुआ के वहाँ आ चुका हूँ, और अभी मतलब 5:45 पे पहुँचा हूँ, और मतलब सीकड़ी जो उतारनी थी तो अच्छा हुआ काका थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो जल्दी काम निपट गया और मैं आ गया मस्त झकाझक। और बाकी सब बच्चे बच्चे सब सोए हुए हैं। ये हेमा बहन है, ये बड़ी भुआ की लड़की, वो मेरी बहन बेटी, बुढ़िया भाई आएगी सुबह 4 बजे। क्या मतलब कितनी स्पीड में आया हूँ, मतलब मैं आधे घंटे में आ चुका हूँ, मतलब 5:10 पे चला था मैं, वो आएगी 45 मिनट में, सोच अब कितना। पर बहुत डचके थे रास्ते में, इतनी स्पीड से गाड़ी भग गई, पर भगानी नहीं चाहिए वैसे गाड़ी। चलिए अब सब काम में पड़ गया, बाद में देखता हूँ वीडियो। तो मैं आप लोगों को मेरी रियल बुआ से मिलवाता हूँ, ठीक है? ये मेरी रियल बुआ ये मेरी रियल बुआ, या भाई मेरी मतलब भाई मतलब मम्मी, या हमारी बहन, और या हमारी बहन बड़ी, या बहन सबसे बड़ी बहन, व सोना भी बहन, तो ये सब मतलब ये मेरा परिवार है, ठीक है? अभी दाल बाफले की तैयारी चल रही है, ठीक है? और अभी पता, अरे बोलो यार, नहीं देखे बोले फोन बोलो, दाल बाफले बना रही थी आज माता जी की पूजन थी। यार मैं ना लेट हो गया, मतलब 15 मिनट लेट हो गया, 5:30 बजे उतार रहे थे। तो कीना ना कीना तो वीडियो बनाया, हाँ तो थोड़े से क्लिप में दे दूंगा आप लोगों को कैसी पूजा होती है। और यह पूजा 18 साल बाद आई, नहीं 19 साल बाद, मतलब ये ना ऐसे बड़ा पुपा जी ने हमारे बोले थे कि 12 साल में एक बार आई है पूजा, जैसे कुंभ के मेले नहीं आते 12 साल में एक बार, ऐसे ये पूजा 12 साल में एक बार होती है। और इसमें काई की पूजा हुई, शीतला माता की पूजा, शीतला माता की पूजा तो होली पे भी तो हुई, 12 साल में एक बार गामगेर माता पूजा थी, ये लोक की परंपरा है, पूरा गांव का मतलब पूरे गांव के पूजेंगे, जितने भी लोग हैं ना गांव में जो भी रहते हैं सब लोग पूजा करेंगे, और सुबह 4 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, दुल्हन जैसे सजेंगे। अब एक एक करके बहनों से मिलाता हूँ। ये छोटी है गट्टू, गट्टू है गट्टू, ये वीडियो अरे तो बुआ हूँ तो गट्टू बोलूंगा नी, गट्टू है मतलब इसका नाम विद्या है, ठीक है? ये छोटी बहन है बुआ की लड़की छोटी, ये कोमल है, ठीक है? ये क्या बोलते है, मधु से बड़ी है, हाँ। नी अभी मधु को भी दिखा, मधु तो सो ही नहीं है यार अभी, है नी? और कहा है ये भांजा है, ये भी भांजा है, भी नहीं थी। हाय करो। और इधर अभी कंडे जल रहे हैं, ठीक है? तो अपन चलते बाहर। ये है छोटी बहन मधु, कोमल से छोटी, इधर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ये देखो अभी टाइम हो रहा है और सो रही है अभी, देख इधर देख, अनंगे उठ, देख 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 देख, देखो शर्मा रही है, इतनी बजे तक क्यों सो रहे, इधर यार ये इतना सोती है, इधर इधर या भांजी, ये मेरी भांजी है अंजलि, सॉरी है, ठीक है? और ओ नंगे बाबू, नंगे नंगे, ये मेरी मतलब ये मेरी छोटी बुआ का घर है पूरा, ठीक है? और ये यूं बोलूं भतीजी है, दिलीप भाई की लड़की है ना, हाँ पगाना रहती है, तो मैं ना सबसे परिचय करवाता रहता हूँ उनकी, ताकि। और ये मेरी सबसे छोटी बहन परी, हनी परी,
परी था नाम का ये पूरा कई बोले थारे परी 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 झांझरिया झांझरिया किसकी छनक गई चुन क्या कौन सा गाना है और ये है राहुल ऐसे कर हाय पहले वीडियो में नहीं आना था यार है ना मतलब मुझे कमर में पेन हो रहा है पता नहीं क्या बेच तरफ क्यों हो रहा है इसलिए थोड़ा सा लेट गया और मुझे वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ मैं बाहर सब बैठे हुए सोच रहे होंगे राजा बाहर क्यों नहीं आ रहा है रीज़न कुछ इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं तो चलिए अभी वीडियो एडिट करता हूँ यार कुछ नहीं पाजी से पूछेंगे अभी तो पहले गाइस भुआ के वहाँ से मतलब अभी निकला नहीं हूँ मैं वापस जाना है भुआ के वहाँ पे और मतलब गामगेर माता पूजरी है ना पूजने वाले नहीं हो गए हाँ बोल रही हूँ तो पूरे गांव में टेंट वेंट लगा है सारी चीज़ें तो मैं अभी मम्मी को लेके यहाँ आ चुका हूँ मामा के वहाँ पे ठीक है दूल्हा बन गया भाई वाह फिर कल घोड़ी पे चढ़ी थी 12 तारीख के नहीं देख मन बोले तो नहीं तू अभी ये किनारन परसों का दिन है नहीं परसों का दिन मतलब परसों के दिन आया था ये घर पर मतलब काकी के वहाँ पे तो मैंने बोला था अभी सिंगल आया कुंवारा आया अब डबल हो क्या आएगा है नहीं हाँ फिर कहीं बधाई हो राहुल के बधाई दी दो यार बधाई हो भाई हाँ तू भी आई जा हाँ तो ये भी हाँ बोलो आप कहीं बोली दिया ये हाले मुंडा बताने के लिए आए हैं क्या हेलो गाइस है ना तो हम लड्डू की बर्थडे पार्टी भी लेते हैं अब राहुल भाई की शादी में हाँ अब बधाई दे राहुल के लिए बहुत बहुत बधाई हो राहुल भाई धन्यवाद बहुत बहुत बधाई हो राहुल भाई ओ वेल डन आप शादी कर रहे हो हाँ अब बोले अच्छे से बोल और आप लोग भी इनवाइट है आ जाना 12 तारीख को जिम ने तो गाइस अब पूरा काम समाप्त हो चुका है खाना वाना भी खा लिया है अब निकल रहे हैं छोटे याजी बैठे हुए हैं ठीक है लोग तुम भी चलो यार घर तरफ चले अभी थोड़ा धूप कम हो जाए तो ये जाजी को बोलूँ घर चलने के लिए चलने अभी थोड़ा यार अभी जा रहा है थोड़ा छांव हो जाए थोड़ा ठंडा टाइम भी चले चलते अरे अभी जो मजा है माता में वो अभी आर्यन को क्या बोला था आपने क्या बोला था आर्यन यही बोला था कि दिन भर धूप में घूमते हैं जब तो आपने पूछा नहीं तो फिर सोचो ना चलो तो चलिए अपन तो निकलते हैं यार मास्क पहन लूंगा है ना और धूप काफी है बहुत धूप है यार इतनी धूप है क्या बताऊं मैं ये बड़े पुपाजी के भाई ठीक है भाई चले हाँ जा रही घर के घर हाँ यार आप भी चलो ये हाँ ब्लॉग देखना आप मेरा ब्लॉग देखा कि नहीं आपने अभी नहीं देखा यूट्यूब पे सिर्फ रोज सिर्फ सोनार का सर्च कर लेना सबसे फर्स्ट पे मैं ही आऊँगा और कोई सोनार का नहीं आया तो एक लोता सोनार था यूट्यूब पे मैं ही है ना तो ये जीजा है ये कहाँ रहते हैं सुनाला बहुत गीत गवाए आज ये भुआ से मैंने बहुत सारे गीत गवाए लोकगीत नहीं हुआ 10 गीत गाया गया मतलब है ना इनके ब्रेन में है ना भंडार है बहुत सारे लोकगीत है अभी इनसे और गवाना है मुझे ठीक है तो फाइनली गाइस भुआ के वहाँ से मैं आ चुका था गामगेर माता जो पूजाई थी वहाँ पर और गाइस ये पता चलेगी तो गामगेर माता 12 साल में एक बार पूजाती है मतलब ऐसा लगता है मतलब महाकुंभ जैसा लगता है ना कुंभ का मेला लगता है ना 12 साल में एक बार ऐसे ही 12 साल में एक बार गामगेर माता पूजाती है और
शीतला माता की इसमें पूजा होती है, शीतला माता के गीत होते हैं, सुबह 3 बजे मतलब 3 बजे से लोग उठना शुरू कर देते हैं और सिगड़ी सिर पर उठाते हैं और पूजा करने ले जाते हैं और शीतला माता की पूजा करने जाते हैं सब लोग। अभी मतलब घर पहुंच चुका हूं मैं, घर पे भी आ चुका था और अभी ना खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आज मन किया, दिल किया, बाबा के दर्शन करने आ गया हूं। और मेरे साथ सन्नी है, जय श्री श्याम, ये श्याम बाबा के दर्शन करने आ गया। श्याम बाबा के दर्शन हो गए हैं, सन्नी मेरे साथ है, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो श्याम बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से घर, घर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन श्याम बाबा के दर्शन करने आ गया ना, एकदम सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ओटले पे मैं बैठा था तो ये आया और बोला राजा भाई जय श्री श्याम। तो मेरा जय श्री श्याम, मैंने कहा कि चलो खाटू श्याम से आते, तो इसने बोला चलो, तो बोला चलो जय श्री श्याम बाबा ने बुलाया दर्शन करने और आ गए दर्शन करने। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि गामगिर जो माता होती है ना, वो शीतला माता की पूजा होती है। और पहले के दौर में होता था कि जैसे वो छोटे बच्चों को माता जी निकल जाती है, चेचक जिसे चेचक कहते हैं वो निकल जाती है, वैसे शीतला माता मतलब वो निकलते थे, बड़े बड़े निकलते थे बहुत। तो फिर उसके बाद पूजा वगैरह करते थे, काफ़ी सारे मान वगैरह करते थे। कहते हैं कि उस पूरे गांव को पूजा करनी रहती है शीतला माता की, और ये 12 साल में आती है एक बार, जैसे महाकुंभ का मेला लगता है वैसे ही गामगिर माता की पूजा होती है 12 साल में एक बार। और बोलते हैं मतलब कहते हैं कि किसी को मतलब जो मुखिया रहता गाँव का, उसको सपना आता है शीतला माता का और वो फिर पूजा होती पूरे गाँव को। अरे थोड़ा सा यार चलते हैं, और अब घर निकल रहे हैं। तो अब सन्नी बादाम शेक पिलवाएगा, तो बादाम शेक पी लेंगे अगर पिलवाएगा, है ना सन्नी? तो नहीं बैठा हूँ आज के। जय श्री श्याम, चलते गाड़ी।